सो आज मेरा प्लान था कि आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ रिलैक्स करूँगी एंड दूसरी चीज़ करूँगी, नो मेकअप डे. पर अचानक से प्लान बन गया, हस्बैंड के कोई दोस्त आने वाला है तो मैं लगा कि 10 मिनट वाला क्विक मेकअप कर लेते हैं एंड थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं एंड घर को क्लीन कर लेते हैं एंड सोच लेते हैं कि क्या बनाएंगे. सो या सम डेज ऐसे भी हो जाते हैं जब आप प्लान करते हैं कि आप कुछ नहीं करेंगे पर आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. सो फिर मैंने सोचा जो हूँ ना कुछ कर ही रहे हैं तो व्लॉग भी बना लेते हैं. एंड आज अर्लियर बहुत मज़ेदार सनी दिन नहीं था पर अभी जैसे मैं यहाँ पे रेडी होना शुरू हुआ है तो सन ने पीक करना शुरू कर दिया. सन कितना मज़ेदार लगता है ना. आज वैसे मैंने मेरे बालों को वॉश किया है. मैं सोच रही थी वॉश कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं ताकि अगले वीक के लिए रेडी हो जाएँ खूब सारे व्लॉग्स बनाने के लिए. मेरे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये टू फेस का बॉर्न दिस वे कंसीलर, शेड का नाम है लाइट बेस्ट एंड इसे हम डबिंग मोशन में लगाएंगे. एंड एक्चुअली मैं ना सोच रही थी जैसे जैसे ये ईयर फिनिश होने वाला है क्यों ना मैं आपके साथ वो प्रोडक्ट शेयर करूँ जो मैंने इस साल सबसे ज़्यादा यूज़ किए हैं. जब भी मैं कोई मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ मैं हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि वो कब एक्सपायर होने वाला है, 12 महीने, 24 महीने, 6 महीने. अगर मुझे ना भी याद रहे तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि कब मैंने इसका ढक्कन खोला ताकि मैं एक्सपायर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँ. जैसे जैसे मैंने अगस्त 2023 में लिया था, अगस्त 2024 तक ये ठीक रहेगा. सो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन है वो लंबे समय तक अच्छी रहे. एक्सपायर प्रोडक्ट स्पेशली जो आपकी स्किन सोक कर सकती है वो बिल्कुल मत यूज़ करें. फिर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे वेकेशन पे जब हम इंडिया गए थे एंड ऑल्सो आजकल मैं कौन से वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ ताकि आप भी उनमें इन्वेस्ट कर सकें. लिपस्टिक आपके साथ शेयर कर देती हूँ, शी ग्लैम की मिस्टी रोज़ लिक्विड लिपस्टिक मैंने लगाई है, मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है. बहुत ही प्यारा सा बर्नड ऑरेंज किस्म का शेड है ये एंड रस्टी है और हमारी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है एंड तो अपने थोड़ा ज़्यादा ही चमकना शुरू कर दिया. सो बालों को मैं यूजली एयर ड्राई होने देती हूँ उसके बाद हम इसको स्टाइल करते हैं. अभी तक अच्छे नहीं हुए हैं पर आई थिंक मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है तो इनको ऐसे ही रहने देंगे. कपड़े चेंज कर लेते हैं जल्दी से. द सन लाइट इज सो गुड, यू गाइस कैन नॉट सी मी राइट. तो पन्नी ज़्यादा मज़ेदार लगती है ना. कैलगरी की स्पेशल बात ये अच्छी है कि यहाँ पे धूप बहुत निकलती है. एंड एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमें यहाँ पे मूव होके कैसा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे दोस्त जाना चाहते हैं एंड मूव होने के बारे में सोच रहे हैं. सो मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी पर यहाँ पर ये बता देती हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मज़ेदार है एंड ज़िंदगी आसान है यहाँ पर. अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं तो ज़रूर से मूव हो जाएं. सो अगर आप यहाँ पे आने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर से आएँ. बहुत ज़्यादा प्यारा खूबसूरत है, ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड आसान है. एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि घरों के प्राइस कैसे हैं, अगर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं टोरंटो से बीसी से तो मेरे पति को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी बहुत प्यारी मदद करेंगे क्योंकि वो काम सिर्फ काम जैसे नहीं करते हैं, वो ऐसे समझते हैं कि उन्हीं का काम है. जो भी आप में से उनको मिले हैं उनको पता ही होगा कि वो कितना एफर्ट लगा के आपके लिए बेस्ट चीज़ ढूंढ के लाते हैं. सो या यू गाइस कैन डू दैट. उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अब मुझे भी मेरे सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड जॉब के लिए कैलगरी में. सो ज़रूर से कॉन्टेक्ट करें. आज मेरा रिलैक्सिंग दिन था, मैं सोच रही थी दो खड़ी लंबे पै जा तो पहले रूम से जाके चौपट हो गया. लंच के लिए मैंने बनाई है आलू गोभी. आलू गोभी जब भी मैं बनाती हूँ तो हस्बैंड को आलू गोभी नहीं खानी होती, उनको परांठा खाना होता है. तो फिर मैं क्या करने वाली हूँ, मैश करके आलू गोभी की सब्ज़ी को उनके लिए बनाने वाली हूँ परांठा. पर मुझे अच्छा लगता है आलू गोभी को खाना.
want your order. Punjabi, yeah. Punjabi, we come. ਚਿੱਟਾ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਲੀਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਚਲੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ मेरा खाने खाने का समय है. खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ. मुझे आलू गोभी काफ़ी अच्छा लगता है. फर्स्ट कुछ कुछ समय आता है जब आप आलू गोभी खाने के लिए बहुत क्रेविंग होती है. आपको आलू गोभी पसंद है मुझे बताना. एक मैंने ना कोई टीवी में शो देख रही थी, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक लेडी ने बताया कि उसका पति रोज़ आलू गोभी खाता है और आलू गोभी के बिना वो रोटी नहीं खाता है. सो या आलू गोभी की कहानी सूरत गोभी. एंड आलू गोभी जब भी मैं खाती हूँ ना, मुझे एक इंसिडेंट याद आता है. आई डोंट नो मैंने पहले बताया या नहीं. मैं ना जब स्कूल में थी तो फॉर सम रीज़न स्कूल के बाद मैं एक दोस्त के घर गई, मेरे घर से कपड़े कपड़े चेंज करके, क्योंकि मेरा घर स्कूल के बहुत पास था. एंड उस दोस्त का घर स्कूल से काफ़ी दूर था. एंड जल्दी से मैं कपड़े चेंज करके उसके घर गई. शायद मेरा ट्यूशन उसके घर के पास था, कुछ ऐसा था. मैं उसके घर गई ना, वो आलू गोभी खा रही थी. एंड ऐसे बड़े से कटोरे में आलू गोभी, दही एंड रोटी. एंड आलू गोभी खाने के बाद ना, जो भी आलू गोभी में डंडल बचते हैं वो बहुत मज़े से खा रही ऐसे ऐसे, और डंडल को दही में भिगो भिगो के खा रही. और वो उसको बहुत मज़ा आ रहा खाने में. उसको देख के मुझे भी बहुत मज़ा आया कि यार वाह कितने मज़े से खा रही है और हम कैसे खाते हैं. तो जब भी मैं आलू गोभी खाती हूँ मुझे वो वाला इंसिडेंट अचानक से याद आ जाता है कि वो बहुत मज़ा लेके आलू गोभी खा रही है. और इवन जो डोंगे में खा रही थी वो डोंगे याद आ जाते हैं मुझे. वो डोंगे की पिक्चर दिखाऊंगी मैं. स्टील डोंगा मतलब बोल, स्टील के बोल में ना ऐसे दही में पकड़ के डंडल ऐसे से खा रही. सो आलू गोभी हमेशा मुझे उस इंसिडेंट में वापस ले जाती है. आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि जब आप वो चीज़ कर रहे हो आपको अचानक से लाइक 1000 साल पुरानी चीज़ याद आ जाएगी हर बार लाइक ये बात कितनी पुरानी होगी, 22 साल पुरानी. अभी मुझे ऐसे विविडली याद है कि मैं उसी के घर में बैठी हूँ और वो आलू गोभी खा रही है मज़े ले लेके. सो ये तो कहानी है आलू गोभी के बारे में. पर मेरे पास बहुत प्यारी प्यारी सी कहानियाँ हैं, मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करूँ. जैसे मेरा वर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस जो कि इतना बुरा था कि मैं रोई, बहुत ज़्यादा रोई. बताना आप इंटरेस्टेड है सुनने के लिए. ओके, कुछ देखते हैं नेटफ्लिक्स पे. मुझे बताना कि आप आजकल क्या देख रहे हैं. मेरे पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बताना सो मैं देख पाऊँ. ओके, शेमलेस के बारे में. शेमलेस देखना शुरू किया था मैंने लाइक 2-3 हफ्ते पहले, मुझे अच्छा लगा. पर जब से फियोना चली गई है सीज़न 9 में मज़ा नहीं आ रहा मुझे. अगर आपने शेमलेस देखा है तो मुझे बताना कि फियोना के बाद आपको भी ऐसा फील हुआ कि एक वॉइड आ गया है शो में, कि वो शो की जान थी, मेन लीड थी एंड पता नहीं क्यों चली गई हो. जाना नहीं चाहिए क्योंकि जो शो चल रहा है और मेन लीड छोड़ के चला जाए एंड फिर बाकी लोगों को क्या देखेंगे आप, वही तो है जो बाइंड करके रख रहा है. अगर आपने शेमलेस देखा है और आपने भी ऐसा फील किया है कि फियोना के बाद आपका मन कर रहा है कि छट्टो पड़ा हूँ उनकी देखना. Too blind to see, it's not getting you closer to where you wanna be in your life. The
weight on your shoulders. Time to put it down. You fall and you break. You got battles to take on, but you figure it out, yeah. And you fall and you break. You got changes to make now. See the light at the end of the tunnel. It's right there. Now just look up and follow. Take one step at a time, babe. I'm with you. All the way. डिनर का समय है. फॉर सम रीजन हिम्मत को आलू गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने सोचा कि पास्ता बना लेते हैं. एंड उसके लंच बॉक्स में भी अच्छी ऑप्शन हो जाएगी, क्योंकि उसे पास्ता लंच बॉक्स में लेके जाना बहुत अच्छा लगता है. एंड जब भी उसे पास्ता दो तो वो हमेशा फिनिश करके आता है. Just what it takes. You're in control here. Don't you forget. सो डिलिशियस रोज़े सॉस में पास्ता बनाते हैं. इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है. ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मेरा खाने के लिए मन नहीं है फॉर सम रीज़न्स. Question for you. Why you wear the same shirt every single day? Everybody is asking, like, it's not cool. Because this is my mom's and I love it. How you can wear your mom's t-shirt? You're so tiny. She outgrown it. So she gave it to me. She handed me down it. Do you think she's fat? ओके दोस्तों, ये मेरी टी शर्ट है और मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल ली थी. एंड मुझे इसको पहन के अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि बहुत टाइट नहीं है, लाइक फिटिंग वाली है. और मुझे लूज़ कपड़े पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने इसको दे दिए. जब से मैंने इसको दी है, रोज आई पाई रख दिया. सोनी नहीं है मीमी, सोनी नहीं है. So, who asked? I bought Sonia. Oh, you love mama. Okay, see ya. Okay, bye guys, see you tomorrow. Bye guys, see you tomorrow. Okay, so मेरा कुछ खाने के लिए मन नहीं है. हेमंत ने पास्ता खा लिया है. हस्बैंड ने अपने लिए क्यूट सा मील तैयार कर लिया है. मैंने उनको फुलका बना दिया है. गोभी खा रहे हैं एंड उबले हुए अंडे. वैसे वो भी कह रहे थे मैं स्किप करूँगा, पर मैंने कहा कि तुम मत करो प्रा, तुम खाओ. मेरा नहीं दिल कर रहा कुछ भी खाने के लिए, सो मैं स्किप करूँगी. अच्छा है मेरे लिए. एंड वीडियो की एडिटिंग थोड़ी सी बाकी है, वो काम को फिनिश करते हैं, फिर मैं सोने के लिए जाने वाली हूँ. पिछले किसी वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि बालों को काट लिया जाए कि लंबा किया जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ दोस्तों ने काट लिए कहा है. सो उसको कंसिडर किया जाएगा ज़रूर से. सो ऑलमोस्ट डन, बाकी का काम कल करेंगे. शट डाउन कर दिया है मैंने मेरे डेस्कटॉप को. एंड कल के लिए मैं ना प्लान बना रही थी एक वीडियो शूट करने का. आई डोंट नो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे उसको देखने के लिए कि नहीं, कि हाउसवाइफ कैसे स्टाइलिश एंड स्मार्ट दिखें, क्योंकि हम लोग इतना व्यस्त हैं घर वालों की चीज़ों को टेक केयर करने के लिए और अपने बारे में भूल ही जाते हैं. ना हम तैयार होते हैं, ना अच्छा प्यारा आउटफिट पहनते. मैं ये नहीं कहती सज सवर के लाइक साड़ी पा के बैठ जाओ या बहुत हैवी, बट कुछ ऐसी यूनिफॉर्म ज़रूर से होनी चाहिए जो आप एवरी डे पहने एंड प्यारे एंड पुट टुगेदर लगें. क्या लगता है आपको, ये अच्छा आइडिया है? कमेंट बार में बताना. एंड ऑल्सो एक और चीज़ करना चाहती हूँ, वो है मैंने ना कुछ ड्रेसेस खरीदी थी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, जो मुझे लग रहा है उनमें से एक मैंने मेरे बर्थडे पर पहनी भी थी. एंड उनको ना मैं थोड़ा सा ऑल्टर करके थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहती हूँ. शायद मैं वो वाला व्लॉग कल शूट करूँगी. एंड देखते हैं कि क्या करते हैं. कुछ तो करेंगे, वेले तो हम रहेंगे नहीं.
सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से करना एंड अपने प्यारे से विचार कमेंट बार में बताना. मैं आपको मिलती हूँ कल नए व्लॉग में. एंड अगर आपके पास मेरे लिए कोई वीडियो रिक्वेस्ट है जो आप मुझसे देखना चाहते हैं उसे भी आप कमेंट बार में छोड़ सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच गाइस, आई लव यू, बाय बाय.